असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो अर्जुन कि मन बहुत ही चंचल है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे अपने नियंत्रण में भी लिया जा सकता है। आवश्यकता है एक एक अभ्यास करने की, एकाग्रता का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। पहले ध्यान को जाने समझे और फिर ध्यान का अभ्यास करें। जब ध्यान का अभ्यास होगा तो निश्चय ही धीरे धीरे मन एकाग्र होना शुरू कर देगा, विचारों पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। अन्यथा जैसी सोच बिगड़ते हैं ख्याल तो बिगड़ता है आदमी। अगर सोच बिगड़ जाए तो आदमी बिगड़ जाए। बिगड़ा हुआ आदमी कुछ नहीं, एक बिगड़ी हुई सोच है। एक बिगड़े हुए विचार से आदमी बनता है। इसलिए सबसे पहला नियंत्रण सोच पर, विचार पर, फिर कर्म पर, फिर चरित्र पर, फिर आचरण पर। जब इन सब पर नियंत्रण आ जाएगा तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा, भाग्य अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, भाग्य स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा भाग्य में। इसलिए स्वयं को, स्वयं के मन में चलने वाली जो एक एक विचारधारा है उसमें कैसे परिवर्तन आए, उसको कैसे बदला जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए। नहीं तो आदमी परवश होकर मंथरा ने विचार दिया कैकई को कि ऐसा करो, ऐसा करो। कैकई सोचने लगी अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं और स्वयं के ऊपर कलंक लेकर बैठ गए। इसलिए आवश्यकता है अगर जीवन को जीना है तो विचारों पर नियंत्रण कर ही जीवन जिया जा सकता है अच्छे से। नहीं तो ये जीवन, ये हमारा मन हमें ही मारेगा, हमें ही मारेगा, हमारा ही नाश करेगा। इसलिए आवश्यक है, इसलिए जरूरी है। इससे पहले कि ये मन हमारा जीवन नरक बना दे, आवश्यक है कि हम इस पर नियंत्रण रखें, हम इस पर कंट्रोल रखें, हम अपने मन में आने वाले विचारों को पकड़ें, अपनी सोच को पकड़ें। नहीं तो ये हमसे कुछ भी करवा देगा, किसी भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है, आत्महत्या भी करवा देगा, कुछ भी। आवश्यकता है इस ऊर्जा को समझने की। लेकिन यही मन, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें हैं, आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर लेंस को लगा दो तो वो क्या करती है लेंस, उन सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर देती है और एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। और जैसे ही वो केंद्रित होता है, जिस स्थान पर केंद्रित होगा वहां पर वो अग्नि प्रकट हो जाएगी, जला देगा, इतनी शक्ति आ जाती है उसके अंदर। अगर सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर लिया जाए, वैसे ही मन में चलने वाली भावनाएं, कभी किसी भाव में हम हैं, कभी किसी भाव में, कभी लोभ में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, कभी विषाद में है, कभी अवसाद में है, कभी उत्साह में है, कभी उन्माद में है। कोई अच्छी खबर मिल गई तो उन्माद में हो गए, कोई बुरी खबर मिल गई तो विषाद में चले गए, अवसाद में चले गए। कभी ये विचार, कभी वो विचार हमारी मन की शक्ति को छिड़ कर देता है, मन की शक्तियों को बिखेर देता है, उसको व्यर्थ जाने देते हैं हम। और अगर एकाग्रता का अभ्यास किया जाए, ध्यान का अभ्यास किया जाए, एक ही भाव। अब ध्यान का मतलब क्या है कि ऐसे बैठ गए, यही ध्यान है, आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं, एक ही भाव हो जाओ, एक ही भाव हो जाओ तो ध्यान है, एकाग्रता है। अगर जब आप एक ही भाव हो जाए, इसलिए
मन इधर उधर भाग रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है। हाथ में तो माला है, ध्यान की सही विधि मिली नहीं, एकाग्रता है नहीं, विचारों का एकीकरण नहीं है। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, बहुत लोग ध्यान करते हैं, बैठे हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन मन सोच रहा है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, बहुत कुछ चल रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, एकाग्र नहीं हो पा रहा। इसलिए ज्ञान एक साधन है, ज्ञान ही कल्याण का साधन इसलिए कहा गया क्योंकि वो एकाग्र होने की विधि देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग ज्ञान लेकर भी एकाग्र होने के लिए प्रयासरत नहीं रहते, एक ही भाव होने का प्रयासरत नहीं करते, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। उसका प्रभाव तो मिलना चाहिए, उसका फल जो मिलना चाहिए वो फल भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान लेकर कभी एक ही भाव होने का प्रयास नहीं, तो वो शक्ति एकत्र कैसे होगी, वो ताकत बनेगी कैसे। इसलिए आवश्यकता है समाज को सही से, ध्यान किसे कहते हैं, वास्तव में ध्यान है क्या, ध्यान लिखा किस ध्यान समाधि की बात पतंजलि मुनि कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के अंदर लिख रहे हैं, उसका यथार्थ हमें समझ में आ जाए, उसका यथार्थ हमें समझ में आ जाए। साधना करनी है, ध्यान करना है, लेकिन ध्यान में होता क्या है, कौन सी घटना घटनी चाहिए यही नहीं पता, कैसे घटे, कैसे एक ही भाव हो जाए, कैसे विचार शून्य हो जाए, विचार शून्य कैसे बन जाए, मन कोई विचार नहीं, विचारों की उथल पुथल, भावनाओं की उथल पुथल खत्म हो जाए तो मन शांत होगा, एकाग्र होगा, उसके अंदर सिद्धि का वास होगा। उस योगी के अंदर सिद्धि का वास हो पाता है जो अपने भावनाओं की उथल पुथल को रोक ले, विचारों की चंचलता को रोक ले। ये क्रिया है, ये रहस्य है ध्यान का, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करिए, अभ्यास, जब अभ्यास करेंगे तभी जाकर ये क्रांति अंतर जगत में घटेगी, नहीं तो बीत जाएगा। जो भक्त है वो एकाग्र हो जाते हैं, एक ही भाव हो जाते हैं, प्रेम और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, प्रेम और ध्यान एक ही विषय है, प्रेम में भी प्रेमी एक ही भाव हो जाता है और ध्यान में भी योगी एक ही भाव हो जाता है, एक भाव के अलावा दूसरा कोई भाव उसके मन में नहीं। जब प्रेम हो गया मीराबाई को कृष्ण से, तो कृष्ण में एक ही भाव है, कृष्ण, दूसरा कोई भाव नहीं, कृष्ण बस। तो मन की सारी शक्तियां एकाग्र हो जाती है तो वहां घटता है चमत्कार, वहां सिद्धियों का फलवास होता है, सारी शक्तियां एकाग्र हो जाती है। इसलिए जब एक ही भाव हो जाओगे तो ध्यान घटित होगा, जब एक ही भाव हो जाओगे तभी जाकर प्रेम घटित होगा। इसलिए प्रेम को प्राप्त करना है, प्रेम हो जाए, एक ही भाव मन हो जाए, और जिसको ईश्वर को प्राप्त करना है उसे एक ही भाव होना ही पड़ेगा। जो जीवन में परम शांति, परम शक्ति और परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है, उसे एक ही भाव होना पड़ेगा।